एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ही किचन में, जिसका नाम है कीर्ति झा'स किचन। आज जो मैं एक पराठा लेके आई हूँ वो बहुत ही चटपटा और मसालेदार है। बहुत कुछ बनाने का मन कभी कभी नहीं करता है, तो ऐसे वक्त में आप इस पराठे को बना के चाय के साथ खा सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसे चटपटा मसालेदार पराठा बन के तैयार। जैसा कि आज मैं आप लोगों को चटपटा मसालेदार पराठा बताऊंगी, तो देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या लगेगा। ये है बारीक प्याज कटा हुआ, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। ये मेरी गार्डन का पुदीना है, उसको भी मैंने पुदीना के पत्ते को बारीक काट लिया है। ये है मिर्ची, नमक, जीरा, चिली फ्लेक्स, और ये देखिए गिर गया डब्बा। ये है मिक्स्ड हर्ब्स, ये है घी, और ये है गुथा हुआ आटा। तो चलिए हम पहले बैटर बना लेते हैं भरने के लिए, उसके बाद बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बारीक और पुदीना तो एक जगह ही है, इसमें थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। जब कुछ करने का मन ना करे तो इसको आप बना के चाय के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्चा डाल दिया है, थोड़ा सा ये ऑरिगेनो है, ये है मेरे पास पास्ता सीजनिंग इजी लाइफ का। आपके पास जो है वो अवेलेबल, अगर डोमिनो पिज़्ज़ा वाले ही हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये है मेरे पास मिक्स हर्ब्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो चम्मच घी डाल देंगे। आप घी भी डाल सकते हैं और आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता हो। ये देखिए दो से तीन चम्मच भरा हुआ तो नहीं है, ये देखिए इतना डाल देंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। उसके बाद इन सभी को एक अच्छा सा मिक्सअप देंगे बढ़िया से। ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। तो चलिए आप बनाते हैं चटपटा मसालेदार पराठा। मैंने तवा 5 मिनट पहले ही चढ़ा दिया था। जैसे अपन आटा लेके इसे बढ़िया से इसका लोई बनाना है, जैसे अपन नॉर्मल पराठा बनाते हैं फोल्डिंग वाला, ठीक वैसे ही इसको बनाना है। ये देखिए बहुत ही लाजवाब बनता है, इसके संग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने इसकी फिलिंग बनाई थी उसको हम ऐसे फैला देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो बेलने में फिर दिक्कत आएगी। ये देखिए अब उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और फिर से एक एकदम पतला सा बारीक सा हाफ आधे में हम इसको लगा देंगे। बहुत आसान है। तो पहला फोल्ड ऐसे हो गया, अब दूसरा फोल्ड ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये देखिए हल्का सा इसको हम दबा देंगे। अब देखिए इसमें पलोथेन में लेके और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। ये देखिए ये बनके तैयार है। अब इसको हम सेकेंगे। ये देखिए, अच्छा जो प्याज नहीं पसंद करते हैं उसको आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं, और वो तो और जल्दी से आसानी से बन जाता है। चलिए तब तक मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ, जब तक ये निचली सतह इसकी लाल होगी, पहले नहीं पलटना है। ये देखिए इसकी निचली सतह, ये देखिए लाल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट के और इसमें हम इसको घी से रिफाइंड से आप
आपको जिसमें भी पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसको बढ़िया से लाल होने तक सेकना है, करारा होने तक दबा दबा के। बहुत बार मन ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा नहीं बनाने का, लेकिन चटपटा खाने का मन होता है, उसमें ये आपका चटपटा मसालेदार पराठा काम देगा। ये देखिए इसकी लेयर्स, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए हमारा पराठा तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक बार और दिखा, देखिए हमारा करारा पराठा मसालेदार चटपटा तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी बेल लेंगे। ये देखिए मेरा दूसरा वाला भी तैयार हो गया है, इसको मैं तवे पे डाल रही हूँ सिकने के लिए। तो देखिए ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, चटपटा मसालेदार पराठा फ्रेश दही के साथ। तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, आइए आप लोग भी खा लीजिए। पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।